नमस्कार दोस्तों, गेट सक्सेस 247 के एक और न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आप सभी के लिए फिर से वीडियो लेके आ चुका हूँ राजस्थान करंट अफेयर्स के लिए। 24 और 25 जून दोनों का कंबाइंड वीडियो आज आपको दे रहा हूँ। कल मैं आपको वीडियो नहीं दे पाया था, इसलिए दोनों दिनों की जो आपको करंट अफेयर्स है वो आपको कंबाइंड यहाँ पर मिलेगी। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। अब दोस्तों, जो मैंने लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था, पहले उसका जवाब आपको यहाँ पर दे देता हूँ कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना के तहत राजस्थान के कितने ज़िलों को शामिल किया जाएगा। तो दोस्तों, ये किया जाएगा 22। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे एक रेट होगा और सभी दोस्तों ने यहाँ पे कमेंट में सही जवाब दिया था। आज के लिए आपका क्वेश्चन, जिसका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में, कि 56 का मैदान का संबंध किस नदी से है। नदी के नाम आपको यहाँ पर दे रखे हैं, कमेंट में इसका जवाब दे दीजिए, जिसका जवाब आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा। अब आज का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अशोक गहलोत द्वारा अन्नपूर्णा रसोई योजना की जगह अब कौन सी योजना लाने की घोषणा की गई है। तो वो की गई है दोस्तों इंदिरा रसोई योजना। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे एक करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन को बड़े ही डिटेल में देखेंगे, तो ध्यान से सुनना हर एक चीज़ को। उससे पहले, अगर आपको ये पता है कि अन्नपूर्णा रसोई योजना कब शुरू हुई थी तो वो बता दीजिए। इस क्वेश्चन के एंड में मैं आपको वो भी बता दूंगा। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए मुझे कि अन्नपूर्णा रसोई योजना कब शुरू की गई थी। अब उसकी जगह स्टार्ट कर रहे हैं अशोक गहलोत जी इंदिरा रसोई योजना। देखिए, ये जो योजना है नई वाली और ये जो पुरानी वाली है, ये किसकी सरकार के टाइम आई थी? भाजपा सरकार के टाइम, जो मुख्यमंत्री थी वसुंधरा राजे, उन्होंने शुरू की थी। अब यहाँ पे कांग्रेस की सरकार में आ गई इंदिरा रसोई योजना। तो इस नई योजना में दोनों समय का भोजन उपलब्ध करवाया जाएगा। देखिए, उसमें क्या था, अन्नपूर्णा रसोई योजना में क्या था, वैन थी, एक वैन में खाना मतलब दिया जाता था। अब इसमें वैन नहीं होगी, इसमें वैन की बजाय एक स्थायी रसोई होगी, उस पर भोजन उपलब्ध करवाया जाएगा। और भोजन की जो अधिकतम लागत होगी वो बेसिकली 20 रुपये होगी, लेकिन इसे भी काटा जाएगा कैसे कि इसमें से जो 12 रुपये है वो राज्य सरकार वहन करेगी, और मतलब ज़रूरत व्यक्ति को जो भोजन मिलेगा वो 8 रुपये में ही मिलेगा। यानी कि घुमा फिरा के बात यहाँ पर 8 रुपये पर ही लेके आए हैं, 12 रुपये जो है वो राज्य सरकार वहन कर लेगी। तो एक आपको पता है कि चेन्नई की एक अम्मा रसोई योजना है, ये जो नाम लिख रखा है ना, बी ऑप्शन अम्मा रसोई योजना, ये कहाँ की है? चेन्नई की है। अब उसकी तर्ज पर ये वाली जो योजना है इंदिरा रसोई योजना, वो यहाँ पे शुरू होगी राजस्थान के अंदर। ठीक है, ये आपको चीज़ में याद रखनी है। इसमें अन्नपूर्णा योजना के तहत तरफ पूरे राज्य में केवल एक संस्था नहीं होगी। ये जो इंदिरा रसोई योजना है इसमें सिर्फ एक संस्था नहीं होगी, पूरे राजस्थान में अलग अलग संस्थाएँ दी हुई होगी। जिला स्तर पर इस योजना के जो नोडल प्रभारी होंगे वो कौन होंगे? जिला कलेक्टर होंगे। और विभिन्न स्थानीय एनजीओ को दी जाएगी इसकी जिम्मेदारी, मतलब जो भी स्थानीय, जैसे मैं बात करूं अगर जोधपुर की, ठीक है, तो जोधपुर में जो भी अगर एनजीओ है यहाँ पे, तो उनको इसकी जिम्मेदारी वहाँ पे सौंपी जाएगी। तो इसी प्रकार से हर ज़िले में दी जाएगी, हर जगह पे दी जाएगी। और स्थायी रसोई में ताज़ा खाना मिलेगा और अधिकतम 300 लोगों को एक रसोई में एक साथ खाना खिलाने की यहाँ पर एक दिन में व्यवस्था करवा रखी है, यानी कि होगी है, अभी चलेगा। ठीक है, और इस योजना के लिए जिलेवार बजट भी आवंटित किया जाएगा। बेसिकली अभी बोला गया है कि 100 करोड़ का यहाँ पे बजट इसके लिए आवंटित किया गया है, ये अभी आई नहीं है, आएगी। ठीक है, अभी ये इसकी घोषणा की गई है। और कितनी रसोई कहाँ पे स्थापित होगी? नगर पालिका क्षेत्र में 2 होगी, कोई भी नगर पालिका क्षेत्र है वहाँ पर 2 रसोई स्थापित होगी। नगर परिषद है वहाँ पर 2 से 5 रसोई स्थापित होगी, कम से कम 2 होगी और अधिकतम 5 हो सकती है। नगर निगम क्षेत्र के अंदर 5 से 8 रसोई स्थापित की जाएगी। और ये रसोई बनेगी कहाँ पे? मतलब कोई भी जगह है, कहाँ बन सकती है? कोई भी सरकारी भवन होगा या फिर इससे संबंधित जो भी एनजीओ है उसके भवन में ये रसोई स्थापित की जाएगी। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि अन्नपूर्णा रसोई योजना जो वसुंधरा राजे द्वारा शुरू की गई थी भाजपा सरकार द्वारा, कब शुरू की गई थी? 2016 के अंदर। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन पूछा है तो एग्ज़ाम में इसका भी पूछ सकते हैं, योजना से आपके क्वेश्चन जरूर बनता है। तो अन्नपूर्णा रसोई योजना वसुंधरा राजे द्वारा 2016 को शुरू की गई थी। डेट भी बता देता हूँ, 15 दिसंबर 2016। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, कि लॉकडाउन के बाद प्रदेश का दूसरा सबसे बिजी एयरपोर्ट कौन सा बना है? तो वो बना है दोस्तों किशनगढ़ एयरपोर्ट। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर एक रेट हो जाएगा। लॉकडाउन के बाद जो बेसिकली अभी फ्लाइट वगैरह थोड़ी बहुत चलनी स्टार्ट हुई है, उसमें प्रदेश का दूसरा सबसे बिजी एयरपोर्ट यानी कि व्यस्त एयरपोर्ट किशनगढ़ एयरपोर्ट बना है। तो पहला कौन सा है? पहला जयपुर है, ये आपको याद रखना है। और बेसिकली ये जो किशनगढ़ एयरपोर्ट है ये वर्तमान में सबसे नया एयरपोर्ट है राजस्थान का।
इसने किन किन एयरपोर्ट को पीछे छोड़ दिया है? उदयपुर, जोधपुर और जैसलमेर के जो एयरपोर्ट है उनको पीछे छोड़ दिया है। यहाँ से बेसिकली अभी वर्तमान के अंदर डेली यानी कि रोज़ाना 3 फ्लाइट का संचालन हो रहा है। एयरपोर्ट जो निदेशक है अशोक कपूर, उन्होंने ये सब सूचना दी है, इनके बारे में डिटेल बताई है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या हाल ही में राजस्थान के किस प्रख्यात ज्योतिषी को भारत में इंटरनेशनल एस्ट्रोलॉजी एसोसिएशन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर नंद किशोर पुरोहित को। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बेसिकली जो ये बीकानेर से संबंधित है ये डॉक्टर नंद किशोर पुरोहित, तो ये बेसिकली है कौन? डॉक्टर नंद किशोर पुरोहित बीकानेर के विश्वविख्यात भृगु ज्योतिषाचार्य है। वह द फोरकास्ट हाउस, लिख देता हूँ, समझ में नहीं आएगा इसे, द फोरकास्ट हाउस के ये निदेशक हैं ज्योतिषी नंद किशोर पुरोहित। इनको पिछले साल से चल रही वेबिनार में उनके द्वारा किए गए अनुसंधान परक कार्यों के आधार पर ये फैसला लिया गया है ब्रांड एम्बेसडर बनाने का, नियुक्त करने का। इंटरनेशनल एस्ट्रोलॉजी फेडरेशन फ्लोरिडा अमेरिका द्वारा इन्हें नियुक्त किया गया है। ये जो मैंने आपको नाम लिया इंटरनेशनल एस्ट्रोलॉजी एसोसिएशन, ये कहाँ की एसोसिएशन है? यूएसए की, ठीक है, यूएसए की ये एसोसिएशन है, इतना भी आपको यहाँ पे याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कि हाल ही में किसे राजस्थान शूटिंग बॉल फेडरेशन का अध्यक्ष चुना गया है? तो किसे चुना गया है? मुकेश भाकर को। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मुकेश भाकर बेसिकली लाडनू के विधायक है, कहाँ के? लाडनू के विधायक है। और एक नाम आपको यहाँ पे और बता रहा हूँ, ये जो ओपी मात्रा है जो बी ऑप्शन है, पहले ये अध्यक्ष थे, अब किसे अध्यक्ष बना दिया गया है? मुकेश भाकर को। और अब ओपी मात्रा अध्यक्ष ना रहे कि अब क्या बन गए? महासचिव बन गए। राजस्थान शूटिंग बॉल संघ के क्या बन गए? अब ये महासचिव बन गए हैं। तो दोनों नाम आपको यहाँ पे याद रखने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कि हाल ही में राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की बैठक का आयोजन कब किया गया? तो दोस्तों इसका जो आयोजन है वो किया गया 22 जून 2020 को। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बेसिकली लॉकडाउन के बाद ये इनकी पहली बैठक है, तो इसीलिए इम्पोर्टेंट है। लॉकडाउन के पश्चात राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की ये पहली बैठक का आयोजन कहाँ किया गया, ये भी हो सकता है एग्जाम में पूछ ले। तो इसका आयोजन दोस्तों जयपुर में किया गया, ठीक है। इसमें बाल अधिकारों के संरक्षण सुनिश्चित करने हेतु बैठक का आयोजन किया गया था, मतलब इस संबंध में विचार करने के लिए। और बैठक की अध्यक्षता किसने की, यानी कि, और सिंपल जो है वो इसके जो अध्यक्ष है किसके, राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के जो अध्यक्ष है वो, उन्होंने ही इस बैठक की अध्यक्षता की है। उनका नाम है संगीता बेनीवाल, ठीक है, जो कि निवासी है जोधपुर की, ठीक है। इसका आयोजन तो जयपुर में हुआ, लेकिन जोधपुर यहाँ पे क्यों इम्पोर्टेंट बना है, क्योंकि जो अध्यक्ष है इसकी संगीता बेनीवाल, वो जोधपुर की निवासी है। और इस बैठक में बाल अधिकारों के संरक्षण सुनिश्चित करने हेतु ऑनलाइन अध्ययन के दौरान आने वाली समस्याओं तथा कोरोना वायरस के कारण जुलाई में स्कूल खुलने या ना खुलने पर भी विचार विमर्श किया गया। तो इसके अंदर ये सभी काम हुए थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कि हाल ही में राजस्थान में फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन की नई चेयरपर्सन कौन बनी है? तो कौन बनी है दोस्तों? वंदना परनामी, नाम याद रखना, वंदना परनामी बनी है राजस्थान में फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन की नई चेयरपर्सन। तो बेसिकली एक प्रसिद्ध एंटरप्रेन्योर है और इन्हें वर्चुअल मेडल भी अभी हाल ही में प्रदान किया गया था। तो बस यहाँ पे इतना ही इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा डिटेल इसकी नहीं है, तो नाम याद रखना, बेसिकली वंदना परनामी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कि हाल ही में किस स्थान पर राज्य के पहले जैविक खेती एक्सीलेंस सेंटर का संचालन शुरू किया गया है? तो दोस्तों इसका संचालन शुरू किया गया है झालावाड़ में। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसमें बेसिकली होगा क्या, यहाँ पे जो वर्मी कंपोस्ट जो खाद होती है उसको बढ़ावा देने के लिए इसका संचालन यहाँ पे शुरू किया गया है, जैविक खेती एक्सीलेंस सेंटर का, कहाँ पे? झालावाड़ में। अच्छा, जैविक खेती से कुछ ना कुछ चीज़ें आपको रिलेट करके मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ, ठीक है। हाल ही में हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था कि राजस्थान का पहला जैविक गांव, मैंने आपको बताया भी था कौन सा था, दारिया गांव, और है कहाँ पे? जयपुर में, ठीक है। और राजस्थान का पहला जैविक जिला डूंगरपुर, ये भी आप याद रखना, एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। कुछ भी रिलेट करके मैं आपको जो क्वेश्चन है वो यहाँ वहाँ से कलेक्ट करके बता देता हूँ साथ में। अगला क्वेश्चन 8वां, कि हाल ही में भारत का कौन सा राज्य वैश्विक निवेश की दृष्टि से देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बना, यानी कि पहला राज्य बना है, पहले नंबर पर आए? तो वो रहा है दोस्तों राजस्थान। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अमेरिका के सीईओ वर्ल्ड मैगजीन ने देश में
राजस्थान को वैश्विक निवेशकों के लिए बेहतर स्थान बताया, यानी कि प्रथम स्थान दिया है ऑल ओवर द इंडिया के अंदर। भारत में COVID-19 के कारण जो चलती आर्थिक सुस्ती है और वैश्विक महामारी को देखते हुए देश के टॉप टेन राज्यों में से राजस्थान का जो रैंक है वो रहा है पहला। यह याद रखना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि राज्य में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, बेहतर भूमि आवंटन प्रक्रिया, आसान और समयबद्ध ऑनलाइन सिंगल विंडो क्लियरेंस मैकेनिज़्म के कारण ये पहला स्थान इन्होंने हासिल किया। मतलब इन सब चीज़ों में बेहतर काम किया है इसलिए इन्हें इसे पहला स्थान मिला है। और भारत को 2020 में निवेश करने के लिए शीर्ष 5 देशों में स्थान दिया गया है, यानी कि टॉप 5 देशों में भारत का भी यहाँ पे स्थान आ गया, तो अच्छी बात है। तो दोनों चीज़ मैंने बता दी, राजस्थान टॉप पे रहा है ऑल ओवर द इंडिया, और भारत का 2020 में निवेश करने के लिए जो स्थान रहा है वो टॉप 5 देशों में रहा है। तो दोनों ही चीज़ों में अच्छी बात है और दोनों ही चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन कि UN पब्लिक सर्विस डे हाल ही में कब मनाया गया, यानी कि संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस। तो दोस्तों ये मनाया गया 23 जून को। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे एक रेट हो जाएगा, लोक सेवकों के काम को पहचानने और युवा लोगों को सार्वजनिक क्षेत्रों में करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। अच्छा, 23 जून की अगर मैं बात करूँ तो एक और दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल विडो डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस। ये भी आप साथ में याद रखना, ये भी 23 जून को मनाया जाता है। अच्छा, बात यहाँ पे दिवस की आई है तो आपको पता है कि जैसे ही दिवस का क्वेश्चन आता है हम उस मंथ के सारे दिवस जो अब तक हमने पढ़े हैं वो रिवाइज करते हैं। अच्छा देखिए, मैं बार बार आपको कहता हूँ कि कमेंट में लिखा करो, अगर आपको कोई भी दिवस याद है तो मेरे बजाने से पहले आप लिखो, ठीक है। चाहे 2 ही लिखो, 5 लिखो, कितने भी याद है उतने लिखो, लेकिन लिखो, ये आपके लिए बेहतर है, आपकी पढ़ाई के लिए अच्छा है। चलिए अब रिवाइज कर लेते हैं सारे। 1 जून को हमने मनाया था वर्ल्ड मिल्क डे, मेरे साथ साथ रिवाइज़ कर लो, अगर नहीं याद है फिर भी रिवाइज़ कर लो। 2 जून को मनाया था हमने तेलंगाना स्थापना दिवस। 3 जून को मनाया था वर्ल्ड साइकिल डे। 5 जून को मनाया था वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। 6 जून को मनाया था विश्व कीट जागरूकता दिवस। 7 जून को मनाया था विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। 8 जून को मनाया था विश्व महासागर दिवस। और 8 जून को मनाया था एक और दिवस, वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे। 9 जून को मनाया था विश्व प्रत्यायन दिवस। 12 जून को मनाया था बाल मजदूरी के खिलाफ विश्व दिवस। 13 जून को मनाया था अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता दिवस। 14 जून को मनाया था विश्व रक्तदाता दिवस। 15 जून को मनाया था वैश्विक पवन दिवस या फिर विश्व पवन दिवस। 15 जून को एक और दिवस था, वर्ल्ड एल्डर एब्यूज़ अवेयरनेस डे। 16 जून को मनाया था अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेषण दिवस। 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण व सूखा रोकथाम दिवस। 18 जून को सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे। 19 जून को विश्व सिकल सेल दिवस मनाया था। उसके बाद 20 जून को मनाया था विश्व शरणार्थी दिवस। 21 जून को तीन अलग अलग दिवस थे, देख लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, वर्ल्ड म्यूजिक डे, वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे। और उसके बाद आज हमने पढ़े हैं 23 जून के, जो कि दो दिवस थे, एक तो UN पब्लिक सर्विस डे और एक थे इंटरनेशनल विडो डे, दोनों आप याद रखना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि हाल ही में आयुष मंत्रालय ने योग के अभ्यास को बढ़ावा देने के लिए किसे चुना है। तो किसे चुना गया दोस्तों, अनुष्का शर्मा को। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे एक रेट हो जाएगा। बेसिकली जो आयुष मंत्रालय ने इनको चुना है ये योग के बारे में मतलब चीज़ें बताएगी, तो योग के अभ्यास को बढ़ावा देने के लिए अनुष्का शर्मा को यहाँ पे चुना गया है। देखिए, आयुष मंत्रालय ने अभी हाल ही में माई लाइफ माई योग प्रतियोगिता का भी आयोजन किया था, वो भी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे बात करते हैं अदर जो तीन ऑप्शन है उनकी, वो इम्पॉर्टेंट है, मैं आपको बार बार ये चीज़ें बता चुका हूँ, अब तो आपको शायद रट गई होगी, मेरे साथ साथ बोलिए। मानुषी छिल्लर क्यों इम्पॉर्टेंट है, हाल ही में इनको अडिडास का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। किसका? अडिडास का, बताया था ना मैंने आपको क्वेश्चन। और मानुषी छिल्लर कौन है, बेसिकली क्यों फेमस है, कि 2017 की मिस वर्ल्ड बनी थी। दिया मिर्ज़ा, ये भी मैंने आपको बताया कौन है, इन्हें क्या मिला है अभी हाल ही में, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की गुडविल एम्बेसडर बनी है। और करंट में क्यों न्यूज़ में रही थी कि जो इनका कार्यकाल है वो 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। आगे बात करें सानिया मिर्ज़ा की, तो यहाँ से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया था, करंट अफेयर्स का फिर से बताता हूँ कि फेड कप, कौन सा फेड कप, हार्ट अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय टेनिस प्लेयर बनी है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है सारे ऑप्शंस। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि हाल ही में ADB ने 2020 में एशिया की GDP ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया है।
अब देखिए यहाँ पे ADB ये सभी क्या है पूरा बताऊँगा। तो कितना अनुमान रहने का, कितना अनुमान लगा है, कितना प्रतिशत रहने का, 0.1%, यानी कि ये ऑप्शन आपका यहाँ पे एक रेट हो जाएगा। ADB क्या है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है ना, फुल फॉर्म क्या है इसका, एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसकी हम बात आगे करेंगे, पहले इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने एशियन डेवलपमेंट आउटलुक 2020 नाम से एक रिपोर्ट जारी की है और उसमें बताया कि एशिया की जो ग्रोथ रेट रहेगी 2020 के लिए वो रहेगी 0.1%, ठीक है, इतनी रहेगी। और कुछ समय पहले ADB ने, यानी कि एशिया डेवलपमेंट बैंक ने, भारत की GDP ग्रोथ रेट वित्त वर्ष 2020-21 के लिए कितना रहने का अनुमान लगाया था, ये भी मैंने आपको क्वेश्चन में बताया था। कितना अनुमान लगाया था, माइनस का 4%। और ADB की एक और बात बता देता हूँ कि ADB ने भारत की जो GDP ग्रोथ रेट है 2021-22 के लिए, कौन सा वित्त वर्ष 2021-22 के लिए कितना रहने का अनुमान लगाया, कितना प्रतिशत, 5%। तो सभी चीज़ें याद रखना। अच्छा, यहाँ पे बात आई है ADB की, तो पूरा डिटेल में देखते हैं। नाम क्या है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 को। हेडक्वार्टर इसका है मनीला, फिलीपींस में। और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष है वो है मसात्सुगो असाकावा। तो ये बात होगी एशियन डेवलपमेंट बैंक की। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। इसकी जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, उसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट डिटेल, सभी की जो डिटेल है वो भी आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं किया है तो। अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो कोई बात नहीं, फिर से मत करना। नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर देना, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं एक वीडियो में।